भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। किसान नेता राकेश टिकैत 2 दिवसीय गुजरात प्रवासे छे। आजे तेमनो बीजो दिवस छे अने हवे कांग्रेस अने आम आदमी पार्टी ना कार्यकर्ताओ पण राकेश टिकैत ने समर्थन आपवा पहुंची रह्या छे। जय जवान जय किसान ना नारा साथे आम आदमी पार्टी ना कार्यकर्ताओ राकेश टिकैत ने मळवा पहुंच्या અને આ સાથે જ કરી ઘણી બધી વાતો ગુજરાતની રાજનીતિ પર। શું છે તે આવો સાંભળીએ। मैंने राकेश जी को बताया कि ये स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम था, वो नाम देश के प्रधानमंत्री ने बदलकर अपना रख दिया। ये एयरपोर्ट जो बीच में आया तो एयरपोर्ट का नाम शंकर सिंह वाघेला ने सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम रखा था 96-97 में, वो भी इन्होंने अदानी नाम रखवा दिया। ये तो बात बहुत एजिटेशन हुआ, इसके बाद फिर नाम रखा, वरना एयरपोर्ट का नाम भी मिटा दिया था। और यहाँ आने के बाद जो हमारे अमीन जी और बाकी ने जो मेमोरेंडम दिया कि ये वल्लभ विद्यानगर और करमसद महाकॉर्पोरेशन मतलब महा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन न बने, इनकी आइडेंटिटी अलग रहे, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सरकार के हाथ में होते ऐसी सरकार लाइए जिसमें हमारे जो लफ्ज कहे जाए कि इसको ऐसा ही डीनोटिफाई करना है, करमसद ऐसा ही रहेगा, वल्लभ विद्यानगर ऐसा ही रहेगा, जहाँ भी कॉरपोरेशन लंबा करना है वहाँ तक हाईवे के बाहर भी करिए, इसको रहने दीजिए। ये जो डिमांड आपकी है वो ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि ये डिमांड रहे। और गांधी जी के दर्शन करके सरदार साहब के दर्शन के लिए इनके पवित्र घर पर आए हैं, यहाँ से बारडोली जाएंगे जहाँ वल्लभ भाई पटेल को सरदार का इल्काब गांधी जी ने दिया था, किसानों के सत्याग्रह, ये भी किसानों के सत्याग्रह है, उस समय वो सरदार थे, आज ये सरदार है। देखिए किसानों की बात जो भी करेगा, 3 काले कानून वापस लेना है, MSP को कानून बनाना है, कोई नई बात नहीं है, इससे मिडिल क्लास खत्म हो जाएगा, महंगाई बेकारी बढ़ेगी, बेकारी कम से कम आज तो 10 करोड़ लोग बेकार है, 10 करोड़ लोग, और 3 करोड़ लोग मध्यम वर्ग से मिडिल क्लास से खत्म होकर गरीबी में चले गए, महंगाई बेशुमार है। इतना ही नहीं, अमूल जो ब्रांड डेयरी का है पूरा डेयरी का कानून लाकर विदेश से पाउडर लाया जाएगा दूध का, यहाँ का दूध पैदा करने वाला खत्म हो जाएगा, अमूल ब्रांड खत्म हो जाएगी, किसान खत्म हो जाएगा। इन्होंने GST नोटबंदी करके व्यापार खत्म कर दिया, अब किसानों खत्म कर दे, एक ये जो है लगा है COVID-19 उसमें एजुकेशन खत्म हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, मिडिल क्लास खत्म हो गया, ये क्या हो क्या रहा है। जनता ने इसके लिए वोट नहीं दिए थे, अच्छे दिन के लिए वोट दिए, कौन से अच्छे दिन, नाम बदलने के। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बदला गया,
साबरमती आश्रम में गए तो वहाँ मैंने कहा कि आने वाले दिनों में मोहन मधुकर भागवत जो RSS के चीफ है, इनका नाम अगर साबरमती आश्रम में रखा जाएगा तो नई बात नहीं होगी, ये हैबिट है इनको, इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। यूथ जो है इनको कोई बेकारी के सिवा कुछ गंवाना है ही नहीं, ओनली गंवाना है तो बेकारी गंवाना है, गरीब लोगों को मेघवारी गंवाना है। आइए हमारे साथ, सही बात है तो आगे बढ़िए, सबके साथ में रहिए और सरकार के सामने एजिटेशन करिए। ये तो गांव ही पूरा परिवार है, पूरा जो देश है पूरा किसान उन्हीं का ही परिवार है। और आज धन्य हो गए जो किसान तीर्थ है, इस पे आके हम धन्य हो गए। और ये जो कड़ी हवेली जो ये मकान देखा है, तो इससे पूरा देश का ये घर है, पूरे देश के किसानों का घर है और पूरा गांव ही किसान है, उनका परिवार है, पूरा देश उनका परिवार है। और धन्य हो गए जो किसान तीर्थ पर हम यहाँ पाए, तो आज धन्य हो गए। और यहाँ से एक जो लड़ाई है उसको नई ऊर्जा के साथ में हम ये लड़ाई की और शुरुआत करेंगे। और गुजरात एक आंदोलन का बड़ा स्थान रहा है, आज़ादी के बाद में जो आंदोलन यहाँ से चला, किसानों का जो मूवमेंट चला, उस स्थान पर हम आए और यहाँ से हमको नई ऊर्जा हमको मिली है। नहीं, सरदार साहब उस टाइम पे पॉलिटिकल एजेंडे थे तो पॉलिटिकल में चल रहे थे, हम नॉन पॉलिटिकल लेकर चल रहे तो नॉन पॉलिटिकल चले गए। जब संसद में आवाज़ उठनी बंद हो जाए तो फिर सड़क की आवाज़ उठाई देती है। देश में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो क्या उस टाइम पे पार्लियामेंट में आवाज़ लड़ी, उस टाइम पे संसद से लड़ाई लड़ी गई सड़क से। तो जब जब भी पार्लियामेंट संसद में आवाज़ नहीं उठती, विधानसभा में आवाज़ नहीं उठती, तो सड़क की आवाज़ सुनाई देती है। फिर तो आज वो टाइम आ गया कि संसद में अगर आवाज़ नहीं है तो सड़क की आवाज़ सुनाई देगी। तो ये तो गाँव की एक विचारधारा, एक एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे कोई पार्लियामेंट थोड़ा था इनमें, ये गाँव है, गांव में हम आए हैं और सरदार जी जहाँ रहते थे उस गांव में आए, यहाँ से नई ऊर्जा के साथ में हम जाएंगे। सर, आप पश्चिम बंगाल में कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ से? एक मुट्ठी वह चावल मांग रही है सरकार, हमने उसको कहा कि इसकी कीमत मांग लो आप उनसे, तुमने तो उनको ये बताया कि इस चावल की आप उनसे कीमत मांग लो, जो आपसे एक मुट्ठी चावल मांग रही है आप इनको कहो कि इसकी MSP दे दो। दिल्ली में आंदोलन चल रहा, इस पर कानून आप बनाओ। हमें नहीं पता कौन जीतता कौन हारा, वो पॉलिटिकल एजेंडे तय करके चल रहे देश में। जो तुमने हमारो अहवाल पसंद आवे होए तो तुम्हारा अभिप्राय हमने कमेंट बॉक्स में चौकस जान करो। आ उपरांत आप हमने इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर पण फॉलो करी शको छो। नमस्कार।